नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं पूर्णिमा मिश्रा। शुक्रिया। दामाद रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर लंदन में बेनामी संपत्ति होने के आरोप पर सोनिया गांधी ने सफाई दी है। कहा है जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये पहला मौका है जब सोनिया गांधी ने दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर लगे किसी आरोप पर सफाई दी हो। संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा रॉबर्ट पर लगे आरोप साजिश का हिस्सा है। ये भी एक षड्यंत्र है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? रोज कुछ न कुछ ये लोग बहाना बनाते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो, दूध का दूध पानी का पानी। बीजेपी ने सोनिया गांधी के बयान का जवाब दिया। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अब उनके बचाव में आकर खड़ी हो गई। सोनिया गांधी की अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा के प्रति की चिंता, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो दामाद हर 2-4-6 महीने में नए घोटाले में उजागर होता है उनका। आरोपों के मुताबिक हथियारों के सौदेबाज संजय भंडारी ने लंदन में रॉबर्ट वाड्रा को घर खरीद कर दिया। ये घर लंदन के 12 एल्टन हाउस बॉयसन स्क्वायर में है। बताया जा रहा है कि वाड्रा को जो घर दिया गया उसे करीब 19 करोड़ में खरीदा गया था। लंदन में संपत्ति का यह सौदा अक्टूबर 2009 में हुआ। जून 2010 में इसे बेच दिया गया। संजय भंडारी के 18 ठिकानों पर पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी। संजय के फोन से कुछ ईमेल मिले जिसमें संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के सहयोगी मनोज अरोड़ा के बीच बातचीत का जिक्र है। सोमवार को बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने केंद्र सरकार, ईडी और आयकर विभाग को चिट्ठी लिखकर मामले में जांच की मांग की थी। रॉबर्ट वाड्रा के बचाव के साथ सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा हमला बोला। मोदी सरकार के 2 साल के जश्न पर सोनिया गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मोदी प्रधानमंत्री है, कोई शहंशाह नहीं। प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। मैं देश में जब अभी भी गरीबी है, सूखा है, किसान परेशान है, तो इस तरह की शो सेटअप करना मुझे लगता मुनासिब नहीं। सोनिया के हमले का बीजेपी ने जवाब दिया, कहा देश तरक्की कर रहा है, कांग्रेस इसे देख नहीं पा रही। उनका ये कहना कि मोदी जी शहंशाह हैं, तो सोनिया जी को मालूम होना चाहिए मोदी जी ने पहले दिन ही देश को कहा था कि वो प्रधान सेवक हैं। शहंशाह और शहजादे की मानसिकता ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये कांग्रेस की रहती है। मोदी सरकार 2 साल के जश्न को पूरे देश में विकास पर्व के तौर पर मना रही है। 10 जून तक बीजेपी नेता और मंत्री 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों के जरिए उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। इसे लेकर 28 मई को इंडिया गेट पर भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। कांग्रेस ने मोदी के झूठ और झूठे वायदे के 2 साल नाम से एक बुकलेट भी जारी की थी जिसमें सरकार पर नाकामी के आरोप लगाए गए थे। महाराष्ट्र के वर्धा में सेना के सबसे बड़े हथियार डिपो में आग से सेना के 2 अधिकारियों समेत 17 जवानों की मौत हो गई, 19 जवान इसमें घायल हुए। मूर्ति तोड़े जाने की घटना सोमवार दोपहर 3 बजे की है। गुरुग्राम के सेक्टर 4 में कुछ नकाबपोशों ने अंबेडकर भवन के कैंपस में लगी कांशीराम की मूर्ति को हथौड़ा मारकर तोड़ दिया। मूर्ति के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बौद्ध की प्रतिमा भी थी, लेकिन तोड़ने वालों ने कांशीराम की प्रतिमा को ही निशाना बनाया। घटना से दलित समाज के लोगों में नाराजगी है और हमें पूरा शक है कि इसमें जो है ना ज्योतिवाल नहीं ये सारे काम कर रहे हैं। किसी की मूर्ति को तोड़ना ये गलत बात है, ये दलित विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। खबरों के मुताबिक कुछ लोग अंबेडकर के बगल में कांशीराम की मूर्ति लगाने के विरोध में थे। इसकी शिकायत गुड़गांव प्रशासन से की गई थी। पिछले 2 महीने से मूर्ति को लेकर विवाद था। दलित समाज के लोगों को शक है कि विरोध करने वालों के इशारों पर ही मूर्ति को तोड़ा गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मूर्ति तोड़े जाने के बाद इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए। वहीं दिल्ली में बिजली पानी के संकट को लेकर आज बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, बिजली पानी के संकट को सुलझाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने सीएम के घर तक पहुंचने के लिए बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली बीजेपी ने मांग की है कि मुफ्त में ना सही पैसे लेकर ही केजरीवाल सरकार लोगों को बिजली पानी मुहैया कराए।
दिल्ली में पानी की समस्या है, पानी पीने को है नहीं, 700 लीटर फ्री देने की बात करता था, पैसे देकर पिलाओ लोगों को, त्राही त्राही कर रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली के कई इलाकों में 4 से 5 घंटे तक बिजली कटौती किए जाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर विधवाओं को समय से पेंशन नहीं दिए जाने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में खस्ता हाल सड़कों का भी मुद्दा उठाया गया। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर सड़कों की मरम्मत के लिए MCD को फंड नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था।